लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम, इससे पिछले वीडियो में आपने उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम पढ़ लिए हैं, उसी कड़ी में ये तीसरा जो नियम है उत्पत्ति से संबंधित यानी प्रोडक्शन से संबंधित, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम क्या होता है, ये कब लागू होता है और इसका वक्र कैसे बनता है यानी ग्राफ कैसे बनता है, और उत्पत्ति समता नियम की जो तालिका है अनुसूची वो हम बनाएंगे, और कुछ अर्थशास्त्रियों की इससे संबंधित परिभाषाएं आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप ये सीखने जा रहे हैं कि उत्पत्ति समता नियम जो है कब लागू होता है, यानी जब उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम के बीच ये लागू होता है। उत्पत्ति समता नियम उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में क्रियाशील उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पादन की अंतिम अवस्था में क्रियाशील उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की स्थिति में लागू होता है। इस नियम के अनुसार उत्पादन के किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने पर औसत तथा सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। यहां पर यह बताया गया है कि जब किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है वो स्थिर रहेगा। तो ये उत्पत्ति नियम समता नियम यही बताता है। इसके संबंधित प्रोफेसर स्टिगलर ने परिभाषा दी है। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार जब सभी उत्पादकीय सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, ये कहना है प्रोफेसर स्टिगलर का। अब हम आपको एक इससे संबंधित एक तालिका यानी अनुसूची बनाएंगे। तो सबसे पहले साधन की इकाइयां, पहले स्टेप में हम रखेंगे साधन की इकाइयां, यानी साधन इकाइयां हम जो श्रम की इकाइयां हमको हम बढ़ाते जाएंगे एक से पांच तक, और फिर हम देखते हैं कि हमारा कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन जो है किस तरह से आता है। तो कुल उत्पादन ये किसमें होगा, ये होगा टन में। कुल उत्पादन, दूसरा सीमांत उत्पादन, ये भी टनों में हुआ, और औसत उत्पादन
ये भी टनों में होगा। तो सबसे पहले जो हमने पहली इकाई जो श्रम की है, जब पहली इकाई है तो कुल उत्पादन कितना है 150 और सीमांत उत्पादन और जो औसत उत्पादन है मैंने अभी बताया कि इसमें समान रहता है, तो इसमें हर स्टेप में ये समान रहेगा। अगर 150 है तो 150 ही औसत उत्पादन भी रहेगा और सीमांत उत्पादन भी रहेगा। दूसरी इकाई 300, फिर तीसरी इकाई में 450, 450 और फिर चौथी इकाई जब लगाएंगे तो 600 टन उत्पादन जो है वो 600 टन और पांचवी इकाई तो यहां पर 750 टन। तो ये हमारा कुल उत्पादन हो गया। अब सीमांत उत्पादन ये समान रहता है, इसका मतलब ये सब में 150 ही रहेगा, 150। इसी तरह से यहां पर 150, यानी कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन सेम है। तो ये सारणी जो है वो समता उत्पन्न समता नियम के आधार पर है। तो इस तालिका को देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है कि श्रम की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, यहां पर हम श्रम की मात्रा में जो साधन इकाइयां हैं, यहां पर हम ये श्रम की मात्रा में जैसे भी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है कुल उत्पादन में स्थिर दर से वृद्धि होती है तथा औसत उत्पादन तथा और सीमांत उत्पादन भी समान रहते हैं, ये समान रहते हैं। तो इस तालिका से हमें ये पता लग रहा है। अब हम इस तालिका के आधार पर एक हम बनाएंगे ग्राफ, यानी इस आधार पर एक ग्राफ बनाएंगे, जो ग्राफ एक उत्पादन का ग्राफ और एक कीमत का यानी कॉस्ट जो लागत है उसका ग्राफ। तो हम ग्राफ को इस तरह से यहां पर दिखाएंगे, बिंदु O ये X मान लिया और ये Y मान लिया। ये ओ एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है, परिवर्तनशील साधन। ओ एक्स जो है यहां पर ओ एक्स परिवर्तनशील साधन, इसको श्रम भी हम कह देते हैं यहां पे, और ओ वाई, वो भाई क्या है, ये है उत्पादकता। उत्पादकता तो यहां पर हम लिखेंगे उत्पादकता, यहां पर इस तरह से लिखते हैं उत्पादकता और ये है परिवर्तनशील साधन, परिवर्तन
साधन। ये ग्राफ इसको हम मान लेंगे, ये पहला ग्राफ है, इसे हमने नाम ए दे दिया। तो अब इसमें यहां पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर है, यहां पर ये हो जाएगा ए पी बराबर एम पी, एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, ये बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम जो ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है उत्पादन का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ जो यहीं पे इसके नीचे ही बना दे रहे हैं, एक्स ओ वाई, यहां पर ये ग्राफ जो बना रहे हैं वो लागत का ग्राफ है। तो यहां पर परिवर्तनशील साधन, ये तो यही रहेगा परिवर्तन साधन, और इधर ये बदल जाएगा, ये है औसत या सीमांत लागत, ये है औसत या सीमांत लागत, यानी ओ वाई जो है वो लागत है और ओ एक्स क्या है, ये परिवर्तनशील साधन है यानी श्रम है। जैसे हम श्रम को बढ़ाएंगे तो यहां पर हमारा जो उत्पादन है या लागत है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका यहां पर इसी तरह से इसको भी शो करेंगे। पर यहां पर, यहां पर एपी बराबर एमपी है और यहां एसी बराबर एमसी हो जाएगा, यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दोनों ग्राफ, इसका नाम देंगे हम बी, ये दोनों ग्राफ जो है वो इसी से उत्पाद समता नियम के पर आधारित है। इस ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस ग्राफ से ये स्पष्ट होता है कि सीमांत उत्पादन की मात्रा समान रहती है और औसत उत्पादन के बराबर है, अर्थात एपी बराबर एमपी। पहले वाले फिगर में एपी बराबर एमपी, ऐसी स्थिति में औसत उत्पादन मात्रा एवं औसत लागत भी स्थिर रहती है, इन लागत जो है वो भी स्थिर है। फिगर नंबर ए, जो ए वाला फिगर है, जो ग्राफ इसे हम कहेंगे ग्राफ ए कह सकते हैं, ग्राफ ए में स्थिर प्रतिफल की अवस्था को और ग्राफ बी में स्थिर प्रतिफल की लागत दशाओं में प्रदर्शित किया गया है। यह अवस्था क्षणिक होती है और इसके बाद उत्पत्ति ह्रास प्रतिफल मिलने लगते हैं। ये उत्पत्ति समता नियम पर आधारित ये सारणी आपने सीखी और इससे संबंधित ग्राफ बनाया। ग्राफ ये वाला ग्राफ जो है ये ग्राफ कहलाएगा उत्पादकता ग्राफ, उत्पादन वाला, और ये बी जो है वो लागत, लागत वाला ग्राफ। तो लागत और उत्पाद यहां पर जो है समानता है दोनों में। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, यानी कि उत्पाद समता नियम कंप्लीट होता है। थैंक यू, टेक केयर।